हिजाब पर अभी भी नहीं थम रहा बवाल। बिहार में मुस्लिम लड़कियों ने किया हंगामा। ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा दे रही थी हिजाब छात्राएं। रोकने पर बना दिया मजहब का मुद्दा। कॉलेज ने कहा माहौल बिगाड़ने की साजिश। जहां एक और इस्लामिक देश ईरान में महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में हिजाब के समर्थन में तमाशा देखने को मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरनगर में स्थित MD-DM कॉलेज में परीक्षा के दौरान हिजाब पहने हुए छात्राओं से शिक्षक द्वारा कान दिखाने के लिए कहने पर छात्राओं ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल मुजफ्फरनगर के महंत दर्शन दास महिला कॉलेज में सेंटअप परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान कुछ छात्राएं हिजाब पहन करके बैठी हुई थी। एक शिक्षक को छात्राओं के ब्लूटूथ लगाए होने का शक हुआ और उन्होंने छात्राओं से कान दिखाने के लिए कहा, जिस पर छात्राएं भड़क गईं और कॉलेज में ही बवाल करने लगी। छात्राओं का आरोप है कि परीक्षा के दौरान शिक्षक शशि भूषण ने छात्राओं से पहले तो हिजाब निकालने के लिए कहा मुस्लिम लड़कियों की माने तो इसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देशद्रोही कहा। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने उनसे कहा है कि रहते यहाँ हो और गाते वहाँ की हो, पाकिस्तान ही चले जाओ। इसके बाद छात्राओं ने विरोध किया और बिना परीक्षा दिए ही कॉलेज के बाहर जाकर बवाल करने लगे। इस मामले में कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर कनुप्रिया का कहना है कि छात्राओं की ये हरकत यहाँ का माहौल बिगाड़ने की साजिश है। इस कॉलेज का इतिहास काफ़ी पुराना है, ये छात्राएं इंटर की हैं। सभी लोगों को मोबाइल हटाने और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने इसे एक अलग ही मामला बना लिया और धर्म से जोड़कर बवाल करने लगे। प्रिंसिपल ने कहा ये बेहद ही शर्मनाक बात है। इन छात्राओं की अटेंडेंस भी 75% से कम है। अब तो शिक्षा मंत्री और यूनिवर्सिटी का भी निर्देश है कि कम अटेंडेंस परसेंट वाली छात्राओं को फाइनल एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाए। ये लोग बेवजह का दबाव बना रहे हैं ताकि कॉलेज प्रशासन इनके सामने झुक जाए। हिजाब की कोई बात नहीं थी, ये जिस शिक्षक पर आरोप लगा रही हैं उन्होंने देशद्रोही और पाकिस्तान जाने जैसी कोई बात नहीं कही थी। ये लोग मनगढ़ंत बातें बना करके बेवजह मामले को तूल दे रही हैं। इस मामले में स्थानीय मिठनपुरा थाने के प्रभारी SHO श्रीकांत सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने दोनों पक्षों से बात की और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराया। फिलहाल मामला दर्ज करने या इलाके में अतिरिक्त बल तैनात करने की जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।